जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजन उपखंड मुख्यालय के सामने चल रहे धरना स्थल पर किया गया है। बैठक में 21 जनवरी को आयोजित हुई जनसभा के बारे में चर्चा करते हुए कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण जनता, शहरी कार्यकर्ताओं व आम लोगों, महिलाओं, पुरुषों ने और युवाओं ने जिला बनाने के लिए आयोजित हुई सभा में भाग लेकर इसको सफल बनाया है, उसके लिए हम लोग जनता का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का एकजुट होना भी काफी अच्छा संकेत है। इस दौरान पार्षद सिराज खान कायम खानी, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, गुरुदेव वोदारा, मुमताज काजी, इस्माइल दहिया से इतने लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने आमजन से अपील की कि आगामी दिनों में भी जिला बनाने के लिए आयोजित होने वाले प्रकल्पों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जरूर सफल बनावें। 365 दिनों से धरना चल रहा था। धरने के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह जनसभा रखी गई थी और जनहित संघर्ष मोर्चा की टीम गाँव गाँव और सुजानगढ़ तहसील के लालगढ़ छोर से और अगुणे सलासर से जो खारिया, बड़ा, छोटा, इन गांवों का दौरा करके ढाणी ढाणी तक पहुंच करके आम नागरिकों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं से अपील की कि आपको जिले की मांग को लेकर के 21 जनवरी को आना है और इस तहसील के गांवों से महिलाएं, नौजवान और किसान, मजदूर, आम नागरिक इतनी संख्या में आए जिले की मांग को लेकर के कि सुजानगढ़ जिला अगर नहीं बनेगा तो ये जनता फिर सैलाब के रूप के अंदर गांवों में और ज्यादा मजबूती से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उनका आभार करता हूं कि जो 21 जनवरी की जो सभा रखी गई उसमें जो आए और इस सभा को सफल बनाया उनका मैं बहुत बहुत आभार, और सभी सामाजिक संगठन के लोग आए, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाते हुए कि हम सब एक हैं जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, और सारे राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि भी आए और जिले की मांग को मजबूती से उठाया, उनका मैं बहुत बहुत आभार। इसी तरह से एकजुटता का परिचय देते रहे और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए लड़ते रहे। सुजानगढ़ की स्टेशन रोड के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल रात को विधायक मनोज मेघवाल से मिला। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीज ने विधायक को बताया कि राठी हॉस्पिटल से आगे शास्त्री प्याव तक डामर सड़क का निर्माण बनना प्रस्तावित है, जबकि हमारी मांग है कि बस स्टैंड से शास्त्री प्याव तक सीमेंटेड सड़क का ही निर्माण करवाया जाए ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यहां पर दो प्रकार की सड़क का निर्माण न किया जाए। विधायक मनोज मेघवाल ने जल्द ही इस बारे में अधिकारियों से बात करके समुचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पराग बुगालिया, विनोद टेलर, कमल दादीच, गौतम, दीपक प्रजापत, चंपालाल प्रजापत, पार्षद मनोज पारिक, हनुमानाराम डूडी, प्रदीप दर्जी, भागीरथ पीड़ा, ओम प्रकाश, राजकुमार पारिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज व्यापारी गण जो है स्टेशन रोड से ये शास्त्री प्याऊ तक के जो व्यापारी है वो सभी निवेदन करने आए विधायक महोदय के निवास स्थान पर, क्योंकि कल ही उन्हें पता चला कि जो रोड बन रही है अभी वो राठी हॉस्पिटल तक या सूर्य प्लाजा तक तो बन रही है सीमेंटेड सीसी रोड बन रही है, और उससे आगे जो है वो डामर युक्त रोड बन रही है। जैसा कि हमें पहले यही कहा गया था कि ये पूरी रोड एक सी बनेगी, डामर रोड बनने वाली थी, तो वही हम निवेदन करना है कि या तो आप पूरी इसे डामर रोड बनाएं या पूरी आप सीसी रोड बनाएं। ये जो ये भेदभाव हो रहा है ये नहीं चलेगा, तो यही निवेदन करने हम आए हैं विधायक महोदय से कि वो अधिकारी गणों से बात करें और इसे रुकवाएं यहीं पे, या तो पूरा सीसी बनवाएं और या पूरी डामर रोड बनवाएं। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 55 स्थित प्रगति नगर के मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के विनोद गहलोत ने बताया कि मोती जी की चक्की से छापर रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी जमा होने व घरों के पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। धन्ना नासिद ने बताया कि वार्ड के लोगों ने पिछले साल इकट्ठा होकर नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर 2 माह में समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। वार्ड वासियों ने बताया कि कई बार गंदा पानी घरों में घुस जाता है। वार्ड के लोगों ने नगर परिषद से प्रगति नगर के मुख्य मार्ग पर नई सड़क का निर्माण करवाकर पानी की समस्या का स्थायी समाधान करवाने, नाली निर्माण करवाने की मांग की है। वार्ड के नंदू दूधवाल, नरेंद्र भामू, रामचंद्र जांगिड़, महेंद्र गुलेरिया, राम निवास गोटिया,
श्याम सुंदर पारिक आदि ने प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान किए जाने की मांग की है। पूरा कीचड़ से भर जाता है, पूरा पानी पानी भरा रहता है, उठाते नहीं है पानी और नालियां नहीं बनाते, रोड भी नहीं बनती, बहुत ज्यादा परेशानी होती रहती है। इस समस्या को लेकर आप किस किस के पास गए? सब जगह चले गए, कलेक्टर को, यहाँ नगर परिषद में मंत्री जी को बोल दिया, सबको बोल दिया, विधायक जी को, सबको बोल दिया, कुछ नहीं करते। कोई बोला बजट नहीं है, बजट के बगैर नहीं होता है, बजट कब आएगा पता नहीं। इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान बस नालियां बन जाए, रोड बन जाए, अच्छी सी हो जाए, बस यही समाधान होना चाहिए। बाल्टी में बड़ी पूरी पानी भरी है, दुनिया भर का दलदा हो गया है, बार बार एनी जी को बोल्ट गया जार में शिकायत कर चुकी है, कोई सुनाई कोई करने वाला है कौन? नाव तो प्रगति नगर है बन वो दुर्गति नगर है, इन वास्ते कई बार में तो बोल्ट में जाइए, न तो कोई सुने न कोई बात।